नमस्कार, मैं बिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। लव जिहाद के खिलाफ आज से मध्य प्रदेश में कानून लागू होने जा रहा है, जिसमें धोखे से धर्म छिपाकर महिला के शोषण पर कड़ी सजा है। लेकिन इस कानून के लागू होने से पहले ही उज्जैन में लव जिहाद का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया है। दरअसल पीड़ित महिला ने बताया कि एक युवक ने उसके साथ हिंदू नाम बताकर पहले उसके दोस्ती की और उसके साथ 2 साल तक उसका शोषण किया। लेकिन महिला ने जब युवक का पर्स चेक किया तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस में उसका नाम पता चला, और जिसके बाद उसे पता चला कि वो हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है और उसका नाम विकास नहीं बल्कि वसीम है। ये देखकर महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने अपने साथ हुए धोखे की शिकायत पुलिस स्टेशन में करवाई। महिला तलाकशुदा है, इसी का फायदा उठाकर वसीम ने महिला को झांसे में लिया। वसीम महिला के साथ मंदिर भी जाता था ताकि उसे शक ना हो, लेकिन वो हमेशा बाहर ही खड़ा हो जाता था। जब महिला उससे पूछती थी कि वो मंदिर के अंदर क्यों नहीं आते, तो वो बताता था कि वो नास्तिक है, इसलिए वो मंदिर के अंदर नहीं जाता। महिला ने अपनी एफआईआर में बताया कि वसीम ने उसने खुद को राजपूत परिवार का बताया था। वो महिला से शादी का वादा करता रहा और उसके साथ शारीरिक शोषण भी करता रहा। अब उस शिकायत होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है ताकि उसे लव जिहाद की सजा दिलवाई जा सके। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, इस महिला ने जो खुलासे किए वो काफी चौंकाने वाले हैं। पीड़िता ने बताया कि वो पहली बार नहीं बल्कि 3री बार लव जिहाद का शिकार हुई है। उसने बताया कि इससे पहले भी 2 मामलों में केस दर्ज करा चुकी है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। ने बताया कि साल 2016 में उसे कार खरीदनी थी, ओएलएक्स पर उसने एक कार पसंद की और इसी सिलसिले में उज्जैन के कादरपुरा कामरी में रहने वाले जुबैर से वो संपर्क में आई। जुबैर ने उस समय उस अपना नाम राज बताया था। जुबैर इंदौर से गाड़ियां खरीद कर लाता था और उज्जैन में उन्हें बेचता था। जुबैर ने तब धंधे में पैसा लगाने के लिए उसे राजी किया और प्रॉफिट का लालच दिया। उसके बहकावे में आके पीड़िता ने अपने पैसे भी उस धंधे में लगा दिए। इस दौरान वो 1 साल तक जुबैर के संपर्क में रही। इस दौरान उसने शादी का झांसा देकर कई बार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए और 2017 में बेवकूफ बनाकर राजगढ़ ब्यावर भाग गया। इसकी शिकायत पीड़िता ने उज्जैन के महिला थाने में की थी। 1 साल तक वो परेशान होती रही, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। तो पीड़िता ने इंदौर में जुबैर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया, लेकिन 3 से 4 महीनों के अंदर उसे जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर हो गया। और मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद पीड़िता को उज्जैन के ही बिलोटीपुरा में रहने वाले साजिद ने झांसा दिया। साजिद नगर निगम में कॉलोनाइजर था। पीड़िता मकान की तलाश में थी, इसीलिए वो उसके संपर्क में आई। साजिद ने हमदर्दी जताकर पीड़िता के घर जाना शुरू कर दिया और उसने भी पहले अपना हिंदू नाम ही बताया था, लेकिन जब दोस्ती गहरी हुई तो उसने अपना सच्चा नाम बताया और अपनी सच्चाई बताई। पीड़िता अकेली रहती थी, इसलिए साजिद ने मौके का फायदा उठाकर कई बार उसके साथ शारीरिक शोषण किया। उसने भी शादी का झांसा दिया और 5 लाख के गहने और 2.5 लाख रुपए नकद हड़प लिए। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि पीड़िता के मकान के रजिस्ट्री पर उसने लोन भी लिया। पीड़िता ने इसी साल 22 जुलाई को नानाखेड़ा थाने में साजिद के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। साजिद भी अभी पुलिस के शिकंजे से फरार है। आपको बता दें कि पीड़िता की शादी 2004 में हुई थी। 3 साल तक वो अपने पति के साथ रही और इस दौरान उसके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन उसके बाद पति के साथ अनबन होने की वजह से वो उसके साथ अलग हो गई और उज्जैन के मुनिनगर में किराए के मकान में रहने लगी। उसी के बाद ये सभी लोग उसके साथ शोषण कर रहे और उसका अकेलेपन का फायदा उठाकर इन लोगों ने उसे शिकार बनाया। लेकिन तब तक वहां पर ये कड़ा कानून नहीं था। अब सूबे में कड़ा कानून लागू हो चुका है जो ऐसे मजहब छिपाकर लड़कियों को फंसाने वालों को सजा देने के लिए बनाया गया है। अब देखना होगा कि पुलिस वसीम को क्या सजा दिलवाती है और पीड़िता को किस तरह से वो इंसाफ दिलाती है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्त यारों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। धन्यवाद।